शाम के 6:10 है और देखो सूरज एकदम सर पे चढ़ा हुआ है और आज हम सच धच के निकले हैं किसी से मिलने। फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं, यहीं एडमिंटन में रहते हैं वो लोग भी। तो ये जो फ्रेंड है, हम लोग फेसबुक, यहाँ पर जब हम एडमिंटन आए थे तो यहाँ का एक FB पे एक पेज है, ग्रुप बनाया हुआ है, कम्युनिटी काइंड ऑफ, तो इंडियन कम्युनिटी है। तो वहाँ पर हमने एक जेनरिक पोस्ट डाला था, जहाँ से फिर मुझे ये मेरी फ्रेंड मिली, थैंक्स टू विश्वजीत, क्योंकि इसने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड फाइनली वी आर मीटिंग टुडे। कौन से स्ट्रीट और एवेन्यू में जाना? 112 स्ट्रीट और जेस्पर एवेन्यू। 112 पर हम लोग हैं, बस अब जेस्पर पहुँचने वाले हैं। हाँ, जेस्पर एवेन्यू तब जाना है। जेस्पर एवेन्यू का क्या नंबर है यार? 101 ना? ये हिल जाए थोड़ी सी। चलो यार अब घोड़े पे चलते हैं। है भी घोड़े पे सवार है। ओके फाइनली। हम पहुंच गए हैं लोकल। तो हम लोग अपने फ्रेंड लोगों से मिलने के बाद हम लोग कुछ प्लान करेंगे, हम लोग कुछ एक्साइटिंग करते हैं आज, कुछ मैजिकल सा प्लान कर रहे हैं। अभी आप इस वीडियो में आके देखोगे कि क्या था वो टाइटल, देख के तो खैर समझ ही गए होंगे। आ गए हैं मेरे नए फ्रेंड्स एडमिंटन के। So I am asking what's next. चले आज कहीं और। अरोरा देखते हैं। ठीक है फिर शाम को मिलते हैं, चलते हैं अरोरा देखने। एल्क आइलैंड। Fingers crossed. Hopefully हमें अच्छा मिल जाएगा। तो अब मैं जो ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी पहले कई बार कर चुका हूँ, लेकिन कभी ऐसी किस्मत नहीं रही कि ये अपलोड कर सकूँ, क्योंकि प्लान रहा है, चांसेस रहे हैं, बट कभी सक्सेस नहीं मिली इस चीज़ में। तो आज फिर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर ये अपलोड हो गया तो मतलब हमने देखा है। तो आज एक्चुअली चांसेस हैं हमें नॉर्दर्न लाइट्स यानी कि ऑरोरा देखने के। इतने सालों से सपना लिए हुए हैं कि कभी नॉर्दर्न लाइट्स देखेंगे। किस्मत से ऐसी जगह पर है जहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, अच्छी खासी होती हैं, स्ट्रांग। तो अभी क्या डेट है, अभी 23 मार्च है, 9 बजा हुआ है रात का। एक्चुअली सनसेट अब 8:15 पे होता है, तो इसलिए काफ़ी देर में अंधेरा होता है और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए अंधेरे की बहुत ज़रूरत रहती है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि 10 बजे के आसपास यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और करीब रात में 2-3 बजे तक एल्क आइलैंड करके जो यहाँ पर नाइट स्काई रिजर्व है वहाँ पर हम लोग वेट करेंगे और कोशिश करेंगे देखने की। और ऑलरेडी सारे अलर्ट्स जो हैं वो हमारे मन के मुताबिक चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक ये वेबसाइट है ऑरोरा वॉच, इसमें आप देखो ऑलरेडी रेड अलर्ट आ चुका है और जो चांसेस हैं वो अगर आपको दिखाऊं तो 67% ऑलरेडी बहुत अच्छे चांसेस चल रहे हैं। दूसरी वेबसाइट्स पे अगर मैं जाऊं तो ऑरोरा फोरकास्ट में 7 एक्टिविटी लेवल है जो कि बहुत अच्छी होती है, और 24 तारीख यानी कि कल, मतलब कि आज 12 बजे के बाद इंटेंस ऑरोरा एक्टिविटी के भी चांसेस हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊं ऑरोरा ऐप में तो देखो KP 77 बहुत ज़्यादा हाई KP होता है, उसके चांसेस होते हैं, जितना ज़्यादा KP उतना ज़्यादा चांसेस। और अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो मैं जहां हूं इस टाइम वो ऑलरेडी एडमंटन जो है वो ऑरेंज जोन में, रेड जोन में अब जाने वाला है, रेड जोन में जाने वाला है। और अगले 30 मिनट्स का क्या एक्टिविटी रहने वाली है, क्या चांसेस, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। अभी 42% है, फिर 49% है, और ये हर मिनट के साथ, ये मतलब हर 15-20 मिनट में इसके चांसेस बढ़ ही रहे हैं। तो आज बहुत सारे चांसेस होंगे कि हम शायद अरोरा देख लें, बट बैड न्यूज़ है ये क्लाउड कवरेज 100% है। अगर क्लाउड कवरेज 100% है इसका मतलब है बादल बहुत ज़्यादा हैं, बट एक्चुअली अगर मैं आसमान देखूं तो अभी वहां पर उतने बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जाके एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, बादल अभी तो है नहीं और यहां पर ऐप में 100% दिखा रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि बादल आते जाते रहेंगे, पार्टली क्लाउडी होगा, लेट्स सी क्या होता है। तो हम लोग निकल लिए हैं घर से बाहर और ऑलरेडी जो ग्रुप है एडमंटन के ऑरोरा चेजर्स का, उसमें लोगों ने अमेजिंग फोटोज डालने शुरू कर दिया है। और अभी हम लोग अपने घर की बालकनी से निकले थे, वहाँ से भी हल्का सा हमें दिखाई दिया लाइफ में पहली बार।
उसको कैप्चर किया, बट क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया। लेट्स सी क्या होता है। सो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, और अभी थोड़ा लेट हो गया, सब सो रहे होंगे, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों को विक्ट्री मिली है, विच मीन्स हम लोगों ने ऑरोरा लाइट्स देख ली। और रात का 2 बज रहा है, धीरे बोलो। दो बज रहा है। इट वाज अमेजिंग, वी लिटरली सॉ लाइट्स डांसिंग इन ऑल, गॉड इट वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपको दिखाएंगे फोटोज, अभी आपको फोटोज दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे। आप लोग मतलब इट्स लाइक फर्स्ट टाइम फॉर अस, सो हम लोग तो बहुत ही एकदम क्रेजी हो गए थे। जिस जगह हम लोग गए थे वो है एल्क आइलैंड। यहाँ पर एक्चुअली वो नाइट स्काई रिजर्व है। तो नाइट स्काई रिजर्व क्या होते हैं कि कुछ लोकेशंस यहाँ पर डिसाइड की हुई है इन लोगों ने। उन जगहों पर क्या है कि लाइट पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल अंधेरे, मतलब तो अगर आपको स्टार की फोटोग्राफी या ऑरोरा वगैरह देखना है तो जा सकते हैं। बट इस वजह से ही इतने सारे लोग वहाँ आते हैं कि गाड़ियों की रोशनी की वजह से थोड़ी तो दिक्कत रहती है, बट बहुत बढ़िया। वहाँ पर लेक का नाम क्या था, एस्टोटिन लेक था वहाँ पर, वहीं पर ही सब लोग आके रुके थे। और रात में 2 बजे भी ऐसा, 1 बजे भी ऐसा माहौल था कि लग रहा था जैसे कोई जश्न मन रहा है, जैसे ऐसा लग रहा था। मैंने तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर न्यू ईयर भी देखे थे, इतने सारे लोग, तो ऐसा लग रहा था सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे आए हैं। तो जब हम लोग पहुंचे वहां पर तो हल्का फुल्का सा ऐसे दिख रहा था बार बार ऊपर, बट उतना स्ट्रांग नहीं था। फिर ठंड बढ़ गई वहां पर, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थी। तो हम लोग जाके गाड़ी में बैठ गए पहले कि रहने देते हैं, चलो ठीक है गाड़ी में बैठते हैं, अगर दिखा कुछ समझ में आया तो उतर के चल लेंगे, फिर से देख लेंगे। तो बस गाड़ी में बैठे बस हैं कि फिर दोस्तों का कॉल आया कि अब तो ऑरोरा दिखना शुरू हो गया, ऊपर से डांस भी हो रहा है ऑरोरा का। फिर ऑरोरा का डांस मतलब ये होता है कि पूरी लाइट ऐसे ऐसे पूरी मूव कर रही होती है। अभी आपको दिखाएंगे वो फोटोज, वो वीडियोज आपको दिखाएंगे, वो मोमेंट आपको दिखाएंगे। फिर हम तो तुरंत गाड़ी से उतर के गए, पूरा आसमान कवर हो चुका था उन लाइट्स में, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ईगल्स और वो पूरा एकदम ऐसे मूव होते हुए दिख रहा था, स्टिकिंग प्रॉपर शेप्स ऑफ ईगल, माउंटेन्स, पूरा वेब, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था ये। और एडमंटन में ये अक्सर होता रहता है, अभी अगले 3 दिन जो है वो अच्छा खासी पॉसिबिलिटी है। टोरंटो वगैरह में भी आज दिख रहा है, यूएस में भी दिख रहा है। रात में 2 बजे तक जाग के वहां देखना एकदम वर्थ है, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह जो है वहां की ट्रिप तो बहुत ही महंगी होती है। वहां पर तो प्रॉपर आपको हर दिन ऑरोरा दिखता है, बट उतने हजारों डॉलर उड़ाने से तो अच्छा है कि 2 बजे रात तक जाग लो और जाके देख के। तो अब आप देखिए जो फोटोज हमने क्लिक करी और जो हमने टाइम लैप्स लिया।